का ही एक अवतार है कृष्ण, ये उनकी मान्यता है। तो इस कारण इस तरह से मानने वाले भी ईश्वर भक्त यानी परमात्मा के भक्त नहीं हो सकते, वो देवता भक्त हो सकते हैं। क्योंकि जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि मैं इन सबसे अलग हूं और इन सबसे मैं श्रेष्ठ हूं। मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। अर्जुन, मतः परतरम, मेरे से श्रेष्ठतम, बड़े से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि मैं ही इस संसार का निमित्त कारण निर्माता हूं। एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। उपादान कारण का अर्थ यह है कि अपने ही स्वरूप से किसी वस्तु को निर्माण किया जाए, उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे मकड़ी है, वो जाला जो बुनती है वो अपने स्वरूप के जो उसके अंदर जो तत्व है, लार तत्व है, उस लार तत्व से बनाती है, यानी अपने स्वरूप से बनाती है। ये उपादान कारण, यानी अपने ही शक्ति से निर्मित किया हुआ पदार्थ, वस्तु, तत्व, उसे उपादान कारण कहते हैं। और दूसरा है निमित्त कारण। परमात्मा ने निमित्त बन करके प्रपंच की रचना की है। निमित्त इस मायने में कि ना तो प्रपंच परमात्मा ने बनाया, ना देवता बनाई, ना जीव बनाया, ये चारों पदार्थ स्वतंत्र स्वतंत्र है। केवल इन सबको कार्य मिला है। प्रपंच स्वतः सिद्ध था, देवताएं स्वतः सिद्ध है, जीवात्मा भी स्वतः सिद्ध है, निर्माण नहीं किया, इनको कार्य में लाया। इस कारण परमात्मा यहां पर निमित्त कारण बनते हैं। तो एकमेव ईश्वर भक्त संप्रदाय यदि कोई है तो ये जय कृष्ण संप्रदाय है। और इसकी मान्यता खुद स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने दी है। अहम, मैं ही इस संसार का निर्माता हूं, मैं ही इस जीवात्मा के कर्मों का नाश करते हुए इसके जन्म बंधन के चक्र से छुड़ा करके सदैव सदैव के लिए नित्य मुक्ति तक पहुंचाने वाला मैं ही हूं। मैं ही सब कुछ करते हुए भी मैं अलिप्त हूं, करता भी हूं, अकर्ता भी हूं, और कुछ का कुछ करता भी हूं। करता हूं इस मायने में कि मेरी अध्यक्षता में संसार की, मेरी प्रेरणा से संसार की रचना हुई, इसलिए मैं करता हूं। अकर्ता इसलिए हूं कि मेरे स्वरूप के द्वारा कुछ निर्मित नहीं हुआ। तो इस तरह से संपूर्ण गीता में कितनी ही जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने यह बतलाया कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा का अवतार हूं और मेरे प्रति शरण आने के बाद ही ये जीवात्मा संसार के बंधन से, इस दुख रूप संसार सागर से छूट करके सदैव सदैव के लिए परब्रह्म प्राप्ति पा सकता है, कैवल्यानंद पा सकता है। इसलिए तीनों प्रकार की भक्तियों को छोड़ करके, देवता भक्ति, पितर भक्ति और भूत भक्ति, तीनों भक्तियों को छोड़ करके, क्योंकि कुछ सामर्थ्य देवताओं के पास है जिसके कारण सामान्य मनुष्य देवता और परमात्मा में भेद नहीं कर पाता। उसमें ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य और प्रकाश, ये पांचों चीजें श्रेष्ठता युक्त होने के कारण ये जीवात्मा
दोनों में भेद नहीं कर पाता, क्योंकि ज्ञान परमात्मा के पास है, सुख भी है, सामर्थ्य भी है, ऐश्वर्य भी है और प्रकाश भी है। तो ये समानता दोनों जगह होने के कारण, देवताओं में और परमात्मा में ये समानता होने के कारण, सामान्य व्यक्ति, खोज न करने वाला व्यक्ति इन दोनों तत्वों को अलग नहीं समझ पाता और इस कारण देवताओं को भी परमात्मा मान लेता है। ज्ञान परमात्मा के पास भी ज्ञान है और देवताओं के पास भी ज्ञान है, दोनों जगह ज्ञान होने के कारण ज्ञान ज्ञान में क्या भिन्नता है यह समझ नहीं पाता। देवताओं के पास ज्ञान है लेकिन त्रिगुणात्मक ज्ञान है, तीन गुणों से भरा हुआ ज्ञान है, रजतम सत्व से भरा हुआ ज्ञान है, और परमात्मा के पास जो है वो निर्गुण है। परमात्मा का ज्ञान जीवात्मा के कर्मों को नष्ट करने वाला ज्ञान है। परमात्मा के पास जो ज्ञान है वह संसार सागर से पार लगाने वाला ज्ञान है। परमात्मा के पास जो ज्ञान है वो शरीर तो क्या, आत्मा को भी पवित्र करने वाला ज्ञान है। ये ज्ञान देवताओं के पास नहीं है। अपने से छोटी देवताओं का ज्ञान बड़ी देवताओं को है, बहुत हो गया तो एक ब्रह्मांड का ज्ञान माया को छोड़ करके सभी देवताओं को है। अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान माया को है, लेकिन वो माया भी सद्ब्रह्म को नहीं जानती और परब्रह्म को भी नहीं जानती। माया में तम तरंति थे, मेरा भक्त माया से परे होकर के है प्राप्ति को पहुंचता है। तो बाकी सब देवताओं का ज्ञान या सबसे बड़ी जो देवता है माया उसका ज्ञान सीमित ज्ञान है। अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान है, उससे परे जो है सद्ब्रह्म या परब्रह्म उसका उसके लिए अज्ञान है। और परमात्मा का ज्ञान जीवात्मा के पास भी है, खंड ज्ञान है, भूल जाने वाला ज्ञान है। इसी प्रकार सुख देवताओं के पास भी है, परमात्मा के पास भी है। ये दोनों की समानता होने के कारण देवता और परमात्मा में भिन्नता है ये जीवात्मा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देवताओं के पास जो सुख है वो दुख मिश्रित सुख है। उसके अंदर सुख के अंतर्गत दुख है। अब जैसे आप चीनी खाते हो, सुख भी है और दुख भी है। चीनी खाते हो कि नहीं? तो खाने वाला व्यक्ति जब खा लेता है, खाना लगता है तो सुख है, स्वाद आता है, मन करता है। और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहेगा तुमने चीनी खाई थी इसलिए तुम्हारी डायबिटीज बढ़ गई। दुख आ गया कि नहीं? सुख में भी दुख। ये केवल सुख उसे कहते हैं जहां पर मात्राओं की कमी अधिकता है, जिसमें अधिक मात्रा में सुख है कम मात्रा में दुख है उसको सुख कहते हैं। जिसमें सुख की मात्रा कम है दुख की मात्रा ज्यादा है उसको दुख कहते हैं। ये देवताओं के पास है और परमात्मा के पास तो केवल आनंद ही आनंद है, क्योंकि वहां पर दुख की मात्रा ही नहीं है। तो ये जो सुख है दोनों जगह पर देखते हैं, और ये सुख की कामना हर मनुष्य में होने के कारण वो देवताओं के प्रति समर्पित होकर के वहां से भी सुख हासिल कर लेता है और परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के वहां से भी सुख हासिल कर लेता है। तो ये दोनों जगह पर मुझे सुख मिलता है, दोनों जगह पर मेरी मान्यता पूरी होती है, इस कारण वो भेद नहीं कर पाता।
लेकिन यदि सही ढंग से इसको देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए तो समझ में आ जाएगी बात कि देवताओं के प्रति अर्पित होने के बाद जो आपने सुख की कामना की या किसी वस्तु की कामना की वो वस्तु आपको मिल जाएगी। मिल जाने के बाद उस वस्तु से आपके जीवन में सुख आएगा या दुख आएगा इसकी गारंटी नहीं। वो कामना आपने की, देवताओं ने वो फल आपको दे दिया और देने के बाद उससे आपको लाभ हुआ या नुकसान हुआ इससे कोई लेन देन नहीं है देवता को। वहां तो केवल नियम की पूर्ति कर लिया आपने, विधि की पूर्ति कर लिया आपने। देवताओं के प्रति विधि यानी नियम, नियम पूरा हो गया, देवताओं ने फल दे देना है। वहां पर आपके मन के भाव की कोई कीमत नहीं है।